वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। मैंने पिछली वीडियो में हेलेनाइन कार्टिलेज के बारे में बात की थी। अब हम बात करने वाले हैं फाइब्रो कार्टिलेज। हेलेनाइन कार्टिलेज ये थ्री टाइप्स के होते हैं और मैंने फर्स्ट आपको बता दिया है कि हेलेनाइन कार्टिलेज, सेकेंड हमारा है फाइब्रो कार्टिलेज। कॉन्ड्रोसाइट साइज एंड कोलोजन फाइबर्स आर प्रेजेंट नियरली इन बंडल। जो कॉन्ड्रोसाइट साइज और कोलोजन फाइबर जो हैं, जो कॉन्ड्रोसाइट में होते हैं और ये बंडल में, ये किस में होते हैं, ये जो कोलोजन फाइबर जो बंडल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फाइब्रो कार्टिलेज लैक पेरिकोंड्रियम। अब इसके आपके बारे में बताया गया है कि जो फाइब्रो कार्टिलेज है ये पेरिकोंड्रियम की कमी होती है। फाइब्रो कार्टिलेज में पेरिकोंड्रियम की कमी होती है। पेरिकोंड्रियम क्या होते हैं, ये एक लेयर बनाती हैं, ठीक है। इसमें है अगला है, दिस इज़ द स्ट्रोंगेस्ट टिश्यू ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज। ये सबसे स्ट्रोंगेस्ट टिश्यू होता है, ठीक है। ये तीन तरह के होते हैं लेकिन जो तीनों में से जो सबसे स्ट्रोंगेस्ट टिश्यू होता है वो होता है फाइब्रो कार्टिलेज होता है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन द वर्टिबल डिस्क। ये वर्टिबल डिस्क के बीच में जो खाली स्पेस होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ एक बार, देखिए, इट इज़ प्रेजेंट इन द वर्टिबल डिस्क। ये वर्टेबल डिस्क के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका मैं अब आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। इसको हम बोलते हैं कोलेजन फाइबर, जो ये बीच बीच में है हमारे, कई कई जगह पर दिखाई दे रहे होंगे आपको, इसको बोलते हैं हम कोलेजन फाइबर बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं लैकून, इसको हम बोलते हैं लैकून, ठीक है। कंटेनिंग कॉन्ड्रोसाइट्स, ये आप देख सकते हैं, मैंने नीट एंड क्लीन बनाया है डायग्राम, आपको भी इसी टाइप से बनाना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर और मैं कई दिन से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।